नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों 24 फरवरी 2021 को नवोदय का पेपर हुआ कक्षा 9 के लिए, तो उसके आंसर के आपके सामने हैं। और इस वीडियो में हम हिंदी के जो आंसर के आपके लिए लेकर आए हैं, तो 1 से 15 तक के जो प्रश्न हैं वो हिंदी के पूछे गए थे। तो 15 में से आपके कितने प्रश्न से होते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएँ। और ये हिंदी के पहला प्रश्न आपके सामने, कौन सा शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द छांटना है और शब्द है इसमें आशीर्वाद। तो आशीर्वाद कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, आशीर्वाद। और अगर आपने जो मेरा पुराना वीडियो देखा है कल वाला, तो उसमें भी मैंने बताया था उज्ज्वल आशीर्वाद का शुद्ध रूप। दूसरा प्रश्न है, शाश्वत का विलोमार्थी शब्द क्या है? तो शाश्वत का जो विलोम शब्द होते हैं वो होता है नश्वर। किस विकल्प में दोनों शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं? तो सूर्य के जो पर्यायवाची हैं वो है दिनकर और दिवाकर। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, दिनकर दिवाकर सूर्य के पर्यायवाची हैं। जिस वाक्य में साधारण व मिश्र वाक्यों का मेल होता है उसको कौन सा वाक्य कहते हैं? तो उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। जिसमें साधारण और मिश्र दोनों वाक्य होते हैं उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। घोड़ा का बहुवचन क्या होगा? तो घोड़ा का बहुवचन होगा घोड़े। ड वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो मूर्धन्य है जो ड वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, मूर्धन्य ड वर्ण का उच्चारण स्थान है। मात्रा या वजन बताने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो वो होते हैं परिमाणवाचक। मात्रा या वजन बताने वाले परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। नवा प्रश्न है, महादेवन तो सदा स्वार्थ पूरा करना चाहता है, रेखांकित कथन में प्रस्थान पर दिए हुए मुहावरे में किसका प्रयोग ठीक रहेगा? तो अपना स्वार्थ सिद्ध कर पूरा करना इसका मतलब होता है, अपना उल्लू सीधा करना। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना। 10वां प्रश्न है, कोरोना संकट के दिनों में मास्क लगाकर बाहर निकलने का आग्रह करते हुए आप किस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं? तो कोरोना काल में भी सबने जो यही आग्रह किया कि आप मास्क लगाकर बाहर निकलें, इसका मतलब ये कि जान है तो जहान है। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है, जान है तो जहान है। अब प्रश्न नंबर 11 से 15 तक एक पैराग्राफ दे रखा है, उसको पढ़कर आपको उत्तर देना है। तो ये भी कोरोना से संबंधित पूछा गया था। जब कोई रोग बहुत ही कम समय में व्यापक क्षेत्र में फैलकर बहुत सी मौतों का कारण बन जाता है तो उसको महामारी कहते हैं। अचानक ही फैल जाने के कारण इसके निदान, चिकित्सा आदि के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है, इसलिए नियंत्रण में कठिनाई आती हैं। आजकल COVID-19 नामक ऐसी महामारी बन चुका है जो सारे विश्व में फैल गया है। अपने देश में इससे पहले भी प्लेग, हैजा, फ्लू, चेचक जैसी रोग महामारी के रूप में फैले, किंतु इनका फैलाव इतना नहीं था और उन पर नियंत्रण पा लिया गया। कोविड के लिए टीका और दवाओं पर परीक्षण हो रहे हैं और आशा है कि हम शीघ्र ही ये उपलब्ध हो सकेंगे, अतः तब तक हमें अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं सावधानियां बरतनी होगी। तो पहला 11वां प्रश्न इसमें से कि भारत में यह महामारी कभी नहीं फैली। तो हैजा, प्लेग और चेचक ये तो फैली हुई है, लेकिन निमोनिया सबसे ज़्यादा ये महामारी के रूप में नहीं फैला है। 12वां प्रश्न है, महामारी उस रोग को कहते हैं जो अचानक व्यापक क्षेत्र में फैलकर मौतों का कारण बनती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, अचानक व्यापक क्षेत्र में फैलकर मौतों का कारण बनती हैं। अगले वीडियो में हम गणित और विज्ञान के आंसर की लेकर आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। 13वां प्रश्न है, लेखक महामारी COVID-19 पर नियंत्रण पा लेने के बारे में आशावान है क्योंकि इनके टीके और दवाओं पर परीक्षण हो रहे हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, इसके टीके और दवाओं पर परीक्षण हो रहा है। 14वां प्रश्न, इसमें से कौन किसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? परीक्षण, फैलाव, निदान और नियंत्रण। तो जो फैलाव है इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, बाकी तीनों में नी उपसर्ग है, इसमें भी नी उपसर्ग है और इसमें परी उपसर्ग है। फैलाव में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 15 है, विस्तार के लिए अनुच्छेद में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? विस्तार यानी कि फैलाव। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विस्तार का मतलब होता है फैलाव। तो आपके जो इसमें 15 में से कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और अपना नाम, अपना जिला जरूर है जो कमेंट करें। अगले वीडियो में हम गणित और विज्ञान के आंसर की लेकर आ रहे हैं, तो जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 15 में से आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।